नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। महागठबंधन ने बांटे जाति के आधार पर टिकट। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के नेता नीतीश कुमार ने बुधवार को अगले महीने शुरू हो रहे राज्य विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के 242 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि वह आरक्षण विरोधी है। इस सूची में 16% सामान्य श्रेणी के, 55% पिछड़ा वर्ग से, 15% अनुसूचित जाति जनजाति से और 14% अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। नीतीश ने दावा किया है कि उनका गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और राजा की तरह इसमें कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी, क्योंकि जनता उसकी विभाजनकारी राजनीति को देख रही है। आरक्षण पर शिवसेना का भाजपा पर हमला। शिवसेना ने आरक्षण नीति पर पुनर्विचार किए जाने के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के आह्वान का स्वागत किया है। सेना ने संघ के विचारों को खारिज करने के लिए भाजपा पर हमला बोला और कहा कि इसका कारण बिहार विधानसभा चुनाव का गणित है। मुखपत्र सामना में बुधवार को छपे एक संपादकीय में कहा गया है कि अपने को पीड़ितों शोषितों का हितैषी कहने वाले राजनीतिक दलों ने भागवत की टिप्पणियों पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ तक कि भाजपा ने आनन-फानन में संवाददाता सम्मेलन बुलाया और भागवत की टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया। हार्दिक पटेल को तलाश करो, हाईकोर्ट के निर्देश। पटेल आंदोलन की अगुवाई कर रहे हार्दिक पटेल के एक सहयोगी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि पुलिस ने हार्दिक पटेल को अवैध रूप से हिरासत में रखा है। एक विशेष घटनाक्रम में न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति के जे ठाकेर की एक पीठ ने रात में 1:20 पर हार्दिक के सहयोगी दिनेश की याचिका पर सुनवाई की और पुलिस को निर्देश दिए कि वह पटेल को 24 घंटे के भीतर तलाश करे। लालू यादव के दोनों बेटे चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के दोनों बेटे इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे। तेज प्रताप यादव महुआ से और तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में राघोपुर से लालू की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.web